जो ऑप्शंस पर टुमारो, आई होप सुबह की वीडियो, कल की वीडियो सब आपको हेल्प कर रही होंगी और इसके बदले में आपको सिर्फ एक लाइक का बटन दबाना है। थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, लाइक का टारगेट मैं सोच रहा हूँ कि आपको दूँ जब बिना टाइम वेस्ट किए, सिर्फ 500, इतना ही कर दीजिए, बहुत है, सिर्फ 500 लाइक्स कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा। चलिए सबसे पहले कल हमने क्या बात की थी कि मार्केट निफ्टी जो है 21,950 पे एक सपोर्ट लाइन है और वहाँ से एक सपोर्ट ले सकती है, धीरे धीरे से एक बहुत छोटा सा रिवर्सल पॉइंट बनाने की कोशिश कर सकती है। कल के हमने वनडे चार्ट को जब एनालाइज किया था कुछ इस तरीके से बात की थी। लेट्स सी रेट, हम फिर आगे शुरू करते, मिस मत करिएगा, कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे होते हैं वनडे के चार्ट पे, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, जो आपको आगे हेल्प करते हैं। तो नॉलेज के बिहाफ पे वीडियो जरूर देखिएगा पूरी और स्किप मत करिएगा। लेट्स सी रेट की कल हमने क्या बात की थी, आज के लिए क्यों ऐसी बात की थी, क्या हमें वो आज दिखाई दिया चार्ट में या नहीं दिखाई दिया, और दिखाई दिया तो कितनी अच्छी बात है। लेट्स सी रेट, स्पॉट्स हो सकते हैं जहां पर निफ्टी एक सपोर्ट लेने के कुछ पैरामीटर्स बना सकती है। फिलहाल एक अच्छा सपोर्ट अभी फिलहाल देखें, अगर अब इसी लाइन पर अगर हम एक सपोर्ट ड्रॉ करने की कोशिश करें तो वो हमें यहां पर नजर आ रहा है 21,950 का, इसको ग्रीन से मार्क कर देते क्योंकि सपोर्ट लेकर चल रहे हैं, तो 21,950 का लेवल एक सपोर्ट नजर आ रहा है। बट 22,000 का ब्रेक होना ये निफ्टी के लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, कल फ्राइडे भी है और होपफुली अगर हमें कल कोई गैप अप नजर आता है, क्योंकि चांसेस थोड़े से मार्केट के रिवर्सल अब तैयार करने के हो सकते हैं अगर ये सपोर्ट बहुत अच्छी तरीके से काम किया। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल जाता है तब कहानी और थोड़ी सी रिटेस्ट के बाद खराब हो सकती है, प्रोबेबली चांसेस और ज्यादा खराब हो सकते हैं, RSI 40 के नीचे जाके एक डाउन ट्रेंड शो कर सकता है। बट फिलहाल जब मार्केट एक सपोर्ट रेंज में आया है इतनी दूर चलकर, तो हम एक छोटा सा सपोर्ट, एक रिवर्सल फिलहाल एक लेकर चलेंगे, कंसीडर करते हुए चलेंगे कि मार्केट यहां पर कहीं एक पॉज मोड या फिर एक सपोर्ट मोड बनाने की कोशिश जरूर करे। और वो तो जैसा कि हमने देखा भी आज कि मार्केट में आपको पहले गैप अप दिखा भी मॉर्निंग में, और वनडे का चार्ट अगर फिलहाल हम निफ्टी का देखें तो वही एक पॉज मोड, एक रिवर्सल मोड, वही एग्जैक्टली 950 के लेवल पे मार्केट ने आज देने की भी कोशिश की, अच्छे खासे 100 प्लस पॉइंट तक मार्केट जाने की भी हमें देखने को भी मिला। मीन्स ऑलमोस्ट 950 से लेके ऑलमोस्ट 150, तो 200 पॉइंट्स, लगभग 150 पॉइंट से लेके 200 पॉइंट्स तक हमें मूवमेंट भी देखने को मिला रिवर्सल की तरफ। अब जो सुबह हमने आज की वीडियो में बात की थी कि रिवर्सल मूड तो आ रहा है बट इसमें कुछ लोचा भी हो सकता है, उस लोचे पे भी बात करेंगे, क्या लोचा हो सकता है, क्या ये मार्केट ऐसे चला जाएगा, नहीं जाएगा, इस पर क्या बात बन सकती है, अभी हम एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। और लगातार पिछले छः सात आठ दिन से इतना बड़ा फॉल क्यों आ रहा है उस पर भी थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे। तो इस बात पे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर आपको कोई भी लॉजिक अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें। चलिए सबसे पहले देखते हैं आज 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे किस तरीके से मार्केट रहा, फिर हम वनडे के चार्ट पे आएंगे। सबसे पहले 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखें, सुबह के ऑप्शन चेन वीडियो में शायद आपने देखा होगा, ये ऑप्शन चेन का वीडियो है, एक झलक देख लेते हैं। मॉर्निंग में हम डेली करते हैं 10:30 पे ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आपसे ये वीडियो मिस ना हो। लेट्स सी रेट, चलिए 22,100 पर हमने देखा सपोर्ट है, छोटा सपोर्ट है तो छोटा सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, और आई होप कि अगर मैं रिफ्रेश करूं तो शायद नंबर 22,150 पे थोड़ा सा बढ़ते हुए नजर आए। 25,000 का नंबर यहां पर बढ़ा है और यहां पे भी 14,000 है, तो मतलब अभी भी 150 पे थोड़ा सा भी नंबर कॉल राइटिंग की तरफ ही है, तो थोड़ा सा शायद 150 और 100 के बीच में एक पॉज मोड मार्केट में आना जरूरी है, क्योंकि जब तक पुट राइटिंग के नंबर्स उधर बढ़ेंगे नहीं या मार्केट थोड़ा सा 150 के ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगा तब तक मुश्किल होगा मार्केट के लिए इससे ऊपर के मूव देना। तो अभी मैं इसको एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस पॉइंट लेकर चल रहा हूँ 150 के लेवल के आसपास, और आप नजर रखिएगा ऑप्शन चेन पे, और इसके बीच में एक मैं टर्निंग पॉइंट का लेवल भी लेकर चल रहा हूँ, मैं उसको अलग से मार्क कर देता हूँ, ये यहां से शायद मार्केट अगर कोई टर्निंग पॉइंट लेना चाहे तो लेने की कोशिश कर सकता है, येलो मार्क से मार्क।
तो ये जो टर्निंग पॉइंट है येलो मार्क से हमने 22,130 के आसपास ड्रॉ किया था आयो, क्योंकि यहां से 100 और 150 के मिड में से कहीं ना कहीं एक चांस बन रहा था मार्केट का एक टर्निंग पॉइंट लेने का, मतलब टर्निंग मीन्स रिवर्सल लेने का, कि जो नीचे से मूवमेंट लिया है वहां से अगर पॉज लेके थोड़े नंबर कॉल राइटिंग की तरफ बढ़ते हैं, ऑब्वियस सी बात है टर्निंग का मतलब नीचे की तरफ आना मीन्स कॉल राइटिंग में नंबर बढ़ना। तो आई होप आपने अगर ऑप्शन चेन को अच्छे से एनालाइज किया होगा, ये अभी भी वही लेवल मार्क्ड है 22,128 का जो वहां मार्क किया था मॉर्निंग में, और मार्केट ने पूरी अच्छी तरीके से बहुत अच्छे इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए यहां से ही टर्निंग ली, और टर्निंग के बाद जो 22,100 का लेवल था, जो ये लेवल हमने इसीलिए बात की थी कि बहुत छोटा सपोर्ट है, मीन्स बहुत थोड़े नंबर पुट राइटिंग की तरफ है इसलिए हम इसको छोटा बोल रहे थे, और उसके बाद आपने देखा अच्छा खासा 11 बजे के बाद जो है थोड़े से नंबर 22,100 पर कॉल राइटिंग की तरफ बढ़ते हुए नजर आए, मींस नंबर पुट राइटिंग से शिफ्ट होकर कॉल राइटिंग की तरफ गए, जिन्होंने इसको एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किया, तो फिर ये रेजिस्टेंस होने की वजह मार्केट फिर से हमें एक अच्छे फॉल की तरफ नीचे की तरफ मिलती चली गई। 22,000 की बात करें, 22,000 पे लगातार एक अच्छा सपोर्ट था, बहुत अच्छा। अगर हम देखें भी क्लोजिंग, अगर अभी देखें भी ऑप्शन चेन की जो क्लोजिंग हुई निफ्टी की, आप देखो 22,000 पे एक अच्छा सपोर्ट था, 22,000 को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल था नीचे की तरफ, तो 22,000 पे देखें तो एक अच्छी खासी पुट राइटिंग अभी भी 65,000 के आसपास थी पुट राइटिंग, हालांकि 42,000 के आसपास कॉल राइटर्स थे बट नंबर्स पुट राइटिंग की तरफ ज्यादा थे। 22,100 की बात करें तो नंबर्स 34,000, मतलब बहुत ज्यादा कोई बड़ा वॉल्यूम नहीं था बट एज कम्पेयर टू पुट राइटिंग, अब आप यही देखो कि 100 पे जो नंबर सुबह यहां पे ज्यादा थे वो नंबर एज कम्पेयर कॉल राइटिंग की तरफ ज्यादा हो गए, जिसकी वजह से जो हमने मॉर्निंग में 22,100 को इसको ग्रीन मतलब सपोर्ट लेकर चल रहे थे, इसलिए मैं बोल रहा था बहुत छोटा सपोर्ट है क्योंकि नंबर के डिफरेंस बहुत कम थे, और उसके बाद टाइम चेंज हुआ, मार्केट ने यहाँ पे कॉल राइटिंग के नंबर्स बढ़ाए, कॉल राइटर्स बढ़े जिन्होंने इसको रेजिस्टेंस बनाया और मार्केट ने फॉल लिया। तो इस तरीके से ऑप्शन चेन सभी लोगों को शायद मदद करती है। ऑप्शन चेन पर एक लाइव क्लास भी रखा है, अगर आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं 12th of May को, मीन्स कमिंग संडे, फ्राइडे आज हो गया, सैटरडे संडे परसों क्लास है मॉर्निंग में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके इस पे रजिस्टर कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो। फिलहाल अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी की तरफ देखें तो बैंक निफ्टी में सपोर्ट्स कुछ अच्छे दिख रहे थे। बैंक निफ्टी की बात करें अगर तो बैंक निफ्टी में पुट राइटिंग के नंबर्स थोड़े अच्छे दिख रहे थे, बट उधर निफ्टी के ऑप्शन चेन में नंबर्स चेंज होने की वजह से काफी ड्रैग हुआ, कॉल राइटिंग के नंबर्स बैंक निफ्टी की तरफ भी बढ़े, और ये जो ट्रेंड लाइन थी आप देख रहे हैं, इसीलिए हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी कि ये हमें कहीं ना कहीं जरूर हेल्प कर सकती है। अगर सुबह की वीडियो आपने देखा होगा तो जरूर आपको याद होगा इस ट्रेंड लाइन के बारे में, तो ये ट्रेंड लाइन काफी हेल्प की, बहुत अच्छा आज फिर एक अच्छा खासा डबल टॉप पैटर्न भी दिखा, और एज यूजुअल कई बार हमें बैंक निफ्टी में बहुत बार डबल टॉप पैटर्न हेल्प करता है, और जो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेवल थे वो भी बहुत अच्छी तरीके से यूज में आए हैं, रेजिस्टेंस काफी दूर बनाया था हमने मॉर्निंग में एज पर ऑप्शन चेंज जो डाटा सुबह बोल रहा था उसके हिसाब से, बट 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें जो मैं आपको डेली टेलीग्राम पे लेवल देता हूं वो भी बहुत अच्छे से लोगों को हेल्प कर रहे हैं। अगर हम बैंक निफ्टी बात करें तो लेवल्स क्या थे, 47,860, 47,720, 47,570, 47,410 जो ब्लैक कलर से लेवल्स मार्क्ड है, ये मैं डेली आपको टेलीग्राम पे देता हूँ, फ्री टेलीग्राम चैनल है, कोई पेड टेलीग्राम चैनल मेरा नहीं है, प्लीज जो भी नए लोग हैं इस बात पर ध्यान दें, पेड ग्रुप प्रीमियम ग्रुप कुछ भी नहीं है, मैं किसी को कोई टिप्स वगैरह नहीं देता हूँ, सो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन भी करना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और ये हैं वो लेवल्स जो मैंने आप मॉर्निंग में आपको सभी लोगों के साथ शेयर करता हूं, तो अगर आपको लगे कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, अगर आपको लगे कि आपके लिए हेल्पफुल है तो, ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, हालांकि फ्रॉड चैनल्स बहुत सारे हैं ऑप्शंस फॉर टुमारो के नाम से, तो प्लीज़ उनसे बचें, कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है ज्वाइन करने में तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, कभी कभी होता है कि लिंक से ज्वाइन नहीं हो पाते या कुछ गड़बड़ हो जाता है तो फिर आप मुझे एक व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिखकर भेज सकते हैं, 7011292963 ये व्हाट्सएप का नंबर है जिस पे आप मुझे डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, 7011292963। ये जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं ये सब कॉम्बो कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मैं किसी को टिप्स वगैरह नहीं देता हूँ, जिन्होंने भी कॉम्बो कोर्सेज स्टडी किया है और अपनी ट्रेड्स लेते हैं एजुकेशन के बाद तो वो शेयर करते हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कॉम्बो कोर्स के बारे में अगर नहीं जानते वेबसाइट पे जा सकते हैं, अभी वीडियो के एंड में हम इसके बारे में बात करेंगे जिसमें टेक्निकल एनालिसिस पर टोटली बेस्ड 13 मॉड्यूल्स हैं, 18 वीडियोस हैं, तो और क्या क्या है इस कोर्स के अंदर जो आप स्टडी कर सकते हैं वो हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, सो बने रहिए, जो लोग इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए वो बने रहे, नहीं बाकी लोग जा सकते हैं।
फिलहाल वनडे के चार्ट में देखें एक बार, तो वनडे के चार्ट में जो लोचे की बात कर रहे थे हम कि जो चैनल लगातार हमने बनाया, चैनल को बनाते हुए यहां से हमें एक रिजेक्शन भी मिला, हमने इसको एक रेजिस्टेंस पॉइंट भी लिया, मार्केट ने वहां से रिजेक्शन भी लिया और यहां पर एक सपोर्ट पॉइंट बनाते हुए 21,950 का कि यहां से मार्केट एक छोटा सा रिवर्सल लेने की कोशिश कर सकती है। हालांकि RSI आप देखो तो 40 के आसपास है और 41 के आसपास है। अब लोचे की जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि जब मैंने सुबह मॉर्निंग वाली वीडियो की थी तो आप लोगों को बताया अभी तक किस तरीके से ट्रैपिंग उन्हीं जगह पर होती है जो जगह बहुत सारे लोग जानते हैं। जैसे ये चैनल का क्रिएशन जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने बनाया होगा, बहुत सारे लोगों ने इस चैनल को क्रिएट किया होगा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट और ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट्स बना रखे होंगे और बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे कि इस पोजीशन पे आते ही मैं कॉल में अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा क्योंकि ये एक सपोर्ट रेंज है एज पर चैनल। और ये सारी कहानी जो आप लोग बना रहे हो सब कुछ जो है ऑपरेटर्स को भी पता है, बिग प्लेयर्स को भी पता है, तो वो यहाँ पर आप मतलब हम रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए ये सबसे बढ़िया साधन है कि हम अपने मन में बनाकर बैठे हुए हैं कि यहां से एक सपोर्ट मिलेगा, हम यहां से कॉल में एंट्री करेंगे, कल मार्केट खुलेगा कुछ भी हो हम कॉल में एंट्री करेंगे, ऊपर चला जाएगा, हम प्रॉफिट बुक करेंगे क्योंकि अब तो सपोर्ट लेवल आ गया है और मार्केट को ऊपर ही ऊपर जाना है। इसी बात का फायदा उठाते हुए मार्केट में थोड़ा सा आपको पुश मिलेगा, हो सकता है। ट्रैप करने का क्या तरीका हो सकता है कि मार्केट ने आज थोड़ा सा बुलिश टर्न दिखाया, कल 100 पॉइंट और दिखा देगा, इसी के चलते लोगों को लगेगा कि हाँ अभी पैटर्न शुरू हो चुका है और लोग कॉल साइड घुसना शुरू हो जाएंगे, जितने भी रिटेल्स हैं बाइंग शुरू कर दें और फिर अगले दिन मार्केट एक फॉल भी ले सकता है, जिससे कि बहुत सारे लोगों को पता है कि 22,050 के ऊपर जो लोग पोजीशंस बनाना शुरू करेंगे कॉल साइड, उनके जो स्टॉप लॉसेस रहेंगे वो 22,000 के आसपास रहेंगे, 22,050 के आसपास रहेंगे, जो लोग 22,100 के आसपास एंट्री लेंगे तो मार्केट को पूरी कोशिश करेगा कि एक बार 22,000 के नीचे लेकर आए, मीन्स 21,930-40 के आसपास सबके स्टॉप लॉसेस हिट करने के बाद उसके बाद मार्केट एक रिवर्सल प्लान करे अगर उसे ऊपर जाना है तो। सो इसलिए इस लोचे के बारे में बात कर रहा था, थोड़ा सा वेट कर लें, अगर आप रियलिटी में इसको इस तो इस रेंज को थोड़ा सा जो है एक बार लेकर चलें, सिंगल पॉइंट को लेकर ना चलें, मीन्स 21,950 को एज अ टर्निंग पॉइंट तो मान लिया बट एक टर्निंग पूरी रेंज होनी चाहिए, पॉइंट से तो मार्केट ने जंप लिया उसके बाद फिर से अगर फॉल कर गया तो दिक्कत होती है। तो फिलहाल एक रेंज बनाने की कोशिश थोड़ी सी करते हैं कि क्या रेंज रहे कि उसके बाद मैं थोड़ा सा कंफर्म हो सकूं मार्केट में कि जो है यस अब थोड़ा सा रिवर्सल पॉइंट्स आने के चांसेस बन रहे हैं। तो सिंपल सा एक बड़ा रेंज लेंगे जो शायद हमको थोड़ा सा क्लियरेंस दे कि मार्केट में क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें रेंज बता सकते हैं। फिलहाल सबसे देखें 22,100 के ऊपर मार्केट को थोड़ा सस्टेन करने दीजिए, तब फिर हम कोशिश करें कि मार्केट शायद ऊपर जाने की कुछ प्लानिंग कर रहा है। नीचे की बात करें थोड़ा सा वेट करें, 21,900 से भी नीचे अगर ब्रेक होता है, 850 जब तक नहीं तोड़ता है तब तक नीचे की प्लानिंग ना करें क्योंकि ये एरिया एक डेंजर एरिया है, मींस एक ट्रैपिंग जोन है जहां पे बहुत आसानी से रिटेलर्स को ट्रैप किया जा सकता है। सो फिलहाल सपोर्ट्स की बात कर लें एक बार कि वनडे के चार्ट पे निफ्टी में क्या सपोर्ट्स हैं, तो क्लियरली शोन 21,950 एक सपोर्ट, नीचे ऑलरेडी हम बात कर चुके 21,800 का एक सपोर्ट है, तो 21,950, 21,800 ये दो फिलहाल नियरेस्ट सपोर्ट्स निफ्टी में नजर आ रहे हैं। RSI से भी एक चीज थोड़ी सी क्लियरेंस हो जाएगी, एक दो दिन में क्या RSI नीचे की तरफ कहीं मूव लेता है या फिर यहां से थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। साथ के साथ रेजिस्टेंस की बात करें तो 22,300 पे एक रेजिस्टेंस अच्छा खासा दिख रहा है, आप ऑप्शन चेन में भी देख लिया सुबह मॉर्निंग में, 22,300 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। 22,300 के साथ साथ और ऑप्शन चेन में आज क्या रेजिस्टेंस रहा वो भी देखते हैं, तो आप देखो कोई बड़ा खास नंबर नहीं है फिलहाल रेजिस्टेंस में, बहुत छोटे नंबर्स जो भी रहे 22,100, 150, 200 के आसपास ही बहुत थोड़े से नंबर दिखे हैं, बड़े नंबर्स भी नहीं हैं, तो थोड़ा सा वेट करें मंडे को शायद कुछ नंबर्स बढ़ते हुए नजर आए तो नई कुछ चीजें निकल कर आए। बैंक निफ्टी को देखें तो जो हम गैप की बात कर रहे थे कि थोड़ा सा मार्जिन अभी भी बैंक निफ्टी में बचा हुआ है, वो बैंक निफ्टी ने आज अपना मार्जिन पूरा कर लिया, आप सभी लोगों ने देख लिया, लगातार 8 दिन से रेड कैंडल्स बनती हुई नजर आ रही हैं। तो जो निफ्टी में हमने एक रिवर्सल थोड़ा सा एज्यूम किया था वो रिवर्सल अब बैंक निफ्टी में अगर हम एज्यूम करें कि बैंक निफ्टी यहाँ 40 से एक सपोर्ट लेकर थोड़ा सा
बहुत थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करें, तो ये एक इफेक्ट डाल सकता है निफ्टी पे कि बैंक निफ्टी की वजह से हम निफ्टी में एक थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिले। थोड़ा सा सिनेरियो कैंडल का जो बना है वो थोड़ा सा डोजी कैंडल बना है, बट अभी भी 50% से भी ज़्यादा मीन्स ऑलमोस्ट 70% जो प्रेशर है वो सेलिंग का ही दिख रहा है इस कैंडल में, आप साफ देख सकते हैं बॉडी ऑलमोस्ट 70% पे नीचे जाके बनी है। अगर यही डोजी कैंडल कुछ इस तरीके से बनती जिसमें हमें 50% से ऊपर बॉडी बनती हुई नज़र आती, थोड़ा हम कंसीडर कर सकते थे कि चलिए बाइंग प्रेशर थोड़ा सा दिख रहा है कि धीरे धीरे आने की कोशिश कर रहा है। और जो भी बाइंग करेंगे, जो भी बिग प्लेयर होंगे या कोई भी अगर बाइंग करेंगे भी यहाँ पे भी, तो एकदम से कोई बाइंग नहीं करेगा, ये कल भी हमने बात की थी, ऐसा नहीं होगा कि एकदम से इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए, नहीं। यहाँ पे सबको डर है क्योंकि बिग प्लेयर्स भी ऐसा नहीं कि एक ही तरफ होते हैं, वो भी आमने सामने होते हैं, वो भी ऊपर नीचे करने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे सपोर्ट्स के यहाँ पर भी वही फिगर्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, आप देखो यहाँ पे कितना मार्केट ने सपोर्ट को एग्जैक्ट किया है। सो ये पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं थोड़े से मार्केट के यहाँ पर एक पॉज मोड लेने के लिए, क्योंकि वही ट्रैपिंग जोन के आसपास है मार्केट। तो नीचे सपोर्ट्स की बात करें तो 47,000 एक बड़ा सपोर्ट है मार्केट के लिए फिलहाल। रेजिस्टेंस की बात कर लें तो 48,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, और फिलहाल 47,500 भी एक बीच में छोटा सा रेजिस्टेंस नंबर दिख रहा है। सपोर्ट्स 47,200 के आसपास के नंबर दिख रहे हैं। बाकी आरएसआई किस तरीके से बिहेव करता है, क्या दो दिन की छुट्टी के बाद किस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि यूएस की मार्केट में कोई भी ऐसी तंगी नहीं दिख रही है जो तंगी हमारे मार्केट में लगातार दिख रही है। अब बात करते हैं उन रीजंस की कि क्या पॉसिबल रीजन है। पहली बात, मार्केट का ऑल टाइम हाई होना, ये पहला रीजन है मार्केट के फॉल का, मीन्स सिंपल करेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग कि भाई इतना हाई मार्केट पहुंच रहा है तो क्यों ना प्रॉफिट बुकिंग की जाए। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं, मार्केट को सेल कर रहे हैं जिससे कि अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा बुक कर सके। और उसके बाद दूसरा जो रीजन है वो है इलेक्शन। आप सभी लोग जानते हैं बहुत जल्द इलेक्शन का रिजल्ट्स ऑलमोस्ट कुछ अगले महीने तक सब क्लियरेंस होने वाला है, और सभी को ये लग रहा है 90% 95% चांस है कि बीजेपी जो है अगर फिर से गवर्नमेंट बनाती है तो मार्केट में एक बूस्ट अप ऊपर देखने को मिलेगा कम से कम 15% से 20% का, ऐसा लोग इधर उधर बोल रहे हैं। कितना होगा क्या होगा, लेकिन बूस्ट जरूर होगा, चाहे 5% हो चाहे 10% हो जितना भी हो। उस बूस्ट को पाने के लिए, और कई सारे इन्वेस्टर्स ये भी चाहते होंगे कि क्यों ना मार्केट में एक डिप मिले, मीन्स जो चीज अभी फिलहाल मार्केट में 100 रुपीज की चल रही है और यहां से एक जब न्यूज आएगी तो वो 100 और 10 जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है अगर, तो क्यों ना इस 100 वाले चीज को हम 80 पे खरीदें, तब 110 जाए तो हमें ज्यादा मार्जिन का प्रॉफिट होगा। सो ये कहानी है थोड़ा सा मार्केट को नीचे ले जाने की, कि थोड़ा सा डिप पे बाय करें तो प्रॉफिट ज्यादा हो। आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा। तो हर कोई कोशिश कर रहा है कि शॉर्ट करें तो फिर नीचे जाके उसके बाद जब हम बाइंग करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। सो फिलहाल बैंक निफ्टी के लेवल्स भी आपको पता चल गए। अब चलते हैं कॉम्बो कोर्स पे। जो लोग भी जानना चाहते हों कि कैसे हम इसको स्टडी करें अच्छी तरीके से, कैसे हम ये सारा टेक्निकल एनालिसिस, जैसे सिंपल सी बात है कि आपको चार्ट्स को रीड करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ बेसिक्स हैं जो बहुत ऐसी डिक्शनरी टाइप हो गई ऑप्शंस की, जो बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं हमें पता ही नहीं है, और हम ट्रेड भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो सिर्फ ग्रीन और रेड कैंडल पे ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोग ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में नहीं जानते, बहुत सारे लोग एक्सपायरीज के बारे में ही नहीं जानते। कि बहुत सारे आपने कमेंट्स देखे होंगे, लोग पूछते हैं कि सर मैंने जो बाई किया था आज वो जीरो क्यों हो गया। तो ये ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए इस ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए, प्लीज़। तो जैसे अब हम इस चैनल की भी बात कर लें अगर, और इन कैंडल्स की बात कर लें, इन कैंडल्स के टेक्निकल्स की बात कर लें, शेडोज की बात कर लें, इस शूटिंग स्टार पैटर्न की बात कर लें, ये बियरिश पैटर्न है कैसे हमें पता चला, ये बुलिश पैटर्न है, तो ये सारी चीज़ें, बुलिश पैटर्न हमारा नीचे आरएसआई पे बन रहा है, बियरिश पैटर्न हमारा ऊपर आरएसआई पे बन रहा है, साथ के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ आरएसआई डाइवर्जेंस की, प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन आरएसआई तो नीचे जा रहा है, दोनों के डायरेक्शन अलग। ये सारा टेक्निकल नॉलेज मैंने एक ही जगह इकट्ठा कर दिया है, वो जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ये सारे टॉपिक्स उसमें कवर्ड हैं, बहुत बेसिक से हैं, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ छुपाया हुआ है, ये चीजें आपको कई जगह मिल जाएंगी, हर जगह मिल जाएंगी, आप स्टडी कर सकते हैं। सिर्फ
इसमें क्या फायदा है कि आपको सारी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी, आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ये स्टडी कर सकते हैं, इधर उधर आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा, द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है समझाने का तरीका तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, बाकी टाइम बच जाएगा, ये सारे बेनिफिट होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बाकी लोगों की तरह, ऐसा कुछ नहीं है कि ये जब तक आप इसको नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं, इसको करने के बाद भी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजीज जब तक मेंटेन नहीं होंगी, कंट्रोल नहीं होगा तब तक फिगर आउट नहीं होंगे। तो सिंपल मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आपको लग रहा है कि सारे टॉपिक्स आपको आते हैं, बहुत बढ़िया बात है, उस पर प्रैक्टिस करते रहिए, कोई जरूरत नहीं है फिर। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें मिस है मेरे से, इसमें से कुछ चीज़ें मिस हैं, जैसे स्ट्रैटेजीज भी हैं, RSI डाइवर्जेंस इसके अंदर है, EMA बेस्ड है, इंडिकेटर बेस्ड है, तो वो सारी चीज़ें आपको हो सकता है कि कुछ नई चीज़ें मिल जाएं, तो ज़रूर इसको स्टडी करें। इतना सब कुछ हम डेली करते हैं, इतना नॉलेज के लिए भागते हैं इधर उधर, तरह तरह की वीडियोस देखते हैं, कई सारे लालची वीडियोस भी देखते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे तो आपको पता है लालची वीडियोस होती हैं, तो थोड़ा नॉलेज की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो करिए, अगर आपको आते हैं टॉपिक्स बहुत अच्छी बात है। सिंपल वेबसाइट विजिट करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और ऑफर प्राइस पे क्लिक कर दीजिएगा इस बटन पे, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे एक पेमेंट का पेज आ जाएगा, वहां पे आप अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल के पे बटन पर क्लिक करके पेमेंट ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, सारे ऑप्शंस आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएंगे। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तुरंत आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, डाउनलोड बॉक्स, 3.5 GB की जिप फाइल डाउनलोड होगी, पूरी फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा, उसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, सारी वीडियोस आपके पास बार बार देखिए, कोई लिमिट नहीं है, आपका अपने पास सेव करके रखिए, रिविजन करते रहिए, कोई डाउट हो तो तुरंत स्क्रीन शॉट लेके 7011292963 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दें, किस तरीके से वीडियोस हेल्प कर रही हैं, क्या टेलीग्राम पे जो मैं लेवल्स दे देता हूँ 5 मिनट्स के, वो आपको हेल्प कर रहे हैं, आप लोग यार फीडबैक देते रहोगे तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है। और इस सैटरडे संडे को तो लाइव क्लास ही है ऑप्शन चेन की, तो वो भी अगर आप करना चाहते हो, अगर आपको ऑप्शन चेन के बारे में बहुत डिटेल में सीखना है तो उसको ले रजिस्टर कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। बाकी कल देखते हैं कोई अच्छी वीडियो लेकर आते हैं, नॉलेज को ऐड करते हैं। आप सभी लोग इसी तरीके से प्यार दिखाते रहिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, थैंक यू।